हेलो फ्रेंड्स, वेलकम जावा एफएक्स ट्यूटोरियल। एंड आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं सीन क्लास इन डिटेल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सीन अ सीन इज अ कंटेनर दैट कंटेन्स सीन ग्राफ। मतलब सीन एक ऐसा कंटेनर होता है जो कि सीन ग्राफ को कंटेन करता है। अभी सीन ग्राफ क्या होता है? सो अ सीन ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ नोट्स। सीन ग्राफ एक नोट्स का एक कलेक्शन होता है। एंड नोट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, नोट्स आर द फिजिकल कॉन्टेंट्स दैट आर विजुलाइज इन द सीन। नोट्स वो फिजिकल कॉन्टेंट्स होते हैं जो कि सीन में विजुलाइज होते हैं। ओके, एंड इन अ सीन ग्राफ ऑल द नोट्स आर एडिड इन अ ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म। मतलब एक सीन ग्राफ के अंदर सभी नोट्स एक दूसरे से ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में जुड़ी होते हैं। ओके, एंड एटलीस्ट वन नोट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ सीन ग्राफ दैट वर्क्स एज द पेरेंट फॉर अदर नोट्स। दिस नोट इज कॉल्ड रूट नोट। मतलब एक सीन ग्राफ के अंदर कम से कम एक नोट हमेशा एग्जिस्ट करती है जो कि अदर नोट्स के लिए पेरेंट नोट का काम करती है, अगर अदर नोट्स आगे उसमें जुड़े हैं। ओके, एंड वो नोट कौन सी होती है? वो नोट होती है रूट नोट। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नोट्स इन अ सीन ग्राफ। एक सीन ग्राफ के अंदर तीन टाइप की नोट पाई जाती हैं। पहली है रूट नोट, दूसरी है ब्रांच नोट, एंड तीसरी है लीफ नोट। अभी रूट नोट कौन सी होती है? रूट नोट वो नोट होती है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता, और ये एक इकलौती ऐसी नोट होती है एक सीन ग्राफ के अंदर जिसका कोई पेरेंट नहीं होता। हाँ, लेकिन इसके चाइल्ड होते हैं लेकिन पेरेंट नहीं होता। एंड दूसरा है ब्रांच नोट। ब्रांच नोट वो नोट होती है जिसका पेरेंट भी होता है और चाइल्ड भी होती है। ओके, एंड तीसरा है लीफ नोट। लीफ नोट वो नोट होती है जिसके कोई चाइल्ड नहीं होते, ओके, लेकिन पेरेंट होते हैं। तो चलिए, ये तो था नोट्स के बारे में। अभी देखते हैं कि हम एक सीन क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें लिखना होगा सीन, सीन इज इक्वल टू न्यू सीन, और उसमें हमें पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा। ओके, एंड अभी हम यहाँ कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। तो सीन क्रिएट करने के लिए हम चार तरह के कंस्ट्रक्टर का, चार टाइप के कंस्ट्रक्टर का यूज ज़्यादा करते हैं। तो ये हमारे पास स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चार टाइप के कंस्ट्रक्टर हैं। तो पहला कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमको पेरेंट क्लास का एक रूट पास करना होता है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। एंड दूसरा जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसमें हमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं, जिसमें पहला तो हमारा पेरेंट ही है और दूसरा हम बैकग्राउंड कलर पास कर सकते हैं। ओके, और तीसरा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हम अपना पेरेंट पास करेंगे, एंड उसी के साथ हम सीन की विड्थ और हाइट को पास कर सकते हैं। ओके, एंड इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो डबल टाइप होंगी। ओके, एंड चौथा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हम इन तीनों को पास कर सकते हैं, मतलब हम पेरेंट पास करेंगे, विड्थ और हाइट पास करेंगे, और बैकग्राउंड पास करेंगे। ओके, बैकग्राउंड कलर। तो चलिए, ये तो था थोड़ा थियोरेटिकल। अभी चलते हैं, इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। ओके, तो अभी मैं राइट क्लिक करके यहाँ एक न्यू जावा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, सॉरी, हम जावा एफएक्स प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो न्यू पर क्लिक करेंगे, एंड प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ जावा एफएक्स पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ मैं प्रोजेक्ट का नेम दे दूंगा सीन इन डिटेल, एंड यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एंड फिनिश पर क्लिक करेंगे। ओके, अभी मेरे पास यहाँ मेरा प्रोजेक्ट बन गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ इसे एक्सपेंड करेंगे, सोर्स पैकेज को एक्सपेंड करेंगे, एप्लीकेशन पैकेज को एक्सपेंड करेंगे, तो आपके पास ये दो फाइल आएंगी। ओके, अभी हम मेन डॉट जावा पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह का प्रोग्राम आपके पास बनकर आ जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इस बॉर्डर पेन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, बाकी सारा जो कोड है हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके, और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये स्टार्ट मेथड में हमें स्टेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे रीनेम कर देता हूँ स्टेज को। ओके, तो अभी जैसे कि हम जानते हैं कि अभी ये स्टेज जो है वो बाय डिफॉल्ट हिडन होती है, तो इसे हमें शो कराने के लिए स्टेज डॉट शो लिखना होगा जिससे विजुलाइज हो जाएगी। ओके, तो अभी हम इसे रन करेंगे। तो आप देखोगे इस तरह का कुछ हमारे पास आ जाएगा। अभी आप जैसे कि जानते हो कि अगर मैं इसे रिसाइज करूँगा तो ये कुछ इस तरह का फंकी लुक देगा। ओके, क्योंकि अपनी जो स्टेज होती है उसका कोई बैकग्राउंड कलर नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट ये इस तरह का हमें दिखाई देता है। तो हमें क्या करना होगा, इसे ठीक करने के लिए हमें इसमें सीन सेट करना होगा। ओके, और सीन और स्टेज को आप इस तरह से समझ सकते हो कि इन दोनों को आप फोटो और फोटो फ्रेम से रिलेट कर सकते हो।
मतलब स्टेज को आप फोटो फ्रेम समझ सकते हो और सीन को आप फोटो समझ सकते हो। तो फोटो को हमें फोटो फ्रेम में सेट करना है, यानी कि सीन को हमें स्टेज में सेट करना है। ओके, तो जैसा कि एक फ्रेम में एक बार में एक ही फोटो सेट हो सकती है, उसी तरह से एक स्टेज में एक बार में एक ही सीन को सेट कर सकते हैं। ओके, तो आप इन दोनों को इस तरह से रिलेट कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस स्टेज में हम सीन को सेट करेंगे। तो सीन को सेट करने के लिए सबसे पहले हमें सीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो बना लेते हैं सीन, सीन इज इक्वल टू न्यू सीन, और इसमें मैं क्या करूँगा रूट पास कर दूंगा। अभी मैंने ये यहाँ बॉर्डर पेन रूट बॉर्डर पेन क्लास का बना दिया है। ओके, तो हम अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ तो कंट्रोल के साथ मैं इस बॉर्डर पेन पर क्लिक करूँगा और इम्प्लीमेंटेशन पर क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये जो बॉर्डर पेन है ये पेरेंट क्लास की डिसेंडेंट क्लास है। मतलब हमें सीन क्लास के अंदर पेरेंट को पास करना होता है, तो क्योंकि ये बॉर्डर पेन पेरेंट क्लास की डिसेंडेंट क्लास है, तो मैं इसका इसको भी इसमें पास कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने बॉर्डर पेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें मैं इसे पास कर दूंगा रूट। ओके, तो इससे ये वर्क करेगा। तो अभी मुझे क्या करना है, इस सीन को इस स्टेज में सेट करना है। तो उसके लिए लिखेंगे स्टेज डॉट सेट सीन और सीन। ओके, तो अभी आप इसे रन करोगे तो आप देखो कि जो हमारा फंकी लुक आ रहा था वो नहीं आएगा, और बाय डिफॉल्ट ये सीन जो होता है सीन का बाय डिफॉल्ट कलर वाइट होता है। ओके, और अभी आप इसे रिसाइज करोगे तो ये उस तरह से नहीं आ रहा जैसे पहले आ रहा था। ओके, चलिए ये तो ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ इसका कुछ बैकग्राउंड सेट करूँ, तो बैकग्राउंड को मैं रेड करना चाहता हूँ। तो अगर आप बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं सीन का, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ रूट जहाँ आपने पास किया था, आप रूट के साथ ही एक कलर पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कलर डॉट रेड पास कर रहा हूँ। ओके, और अभी आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि हमारा जो सीन है सीन का रेड कलर हो जाएगा। ओके, तो अभी ये रन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी वाइडर है, तो मैं चाहता हूँ अपने सीन का जो विड्थ और हाइट है उसे सेट करना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने स्टेज की क्लास की मदद से इसका विड्थ और हाइट सेट की थी, लेकिन इस वीडियो में हम सीन क्लास के कंस्ट्रक्टर में विड्थ और हाइट पास करके उसे सेट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ कलर को हटा दूंगा और यहाँ विड्थ और हाइट पास करूँगा। तो मैं यहाँ विड्थ 400 दूंगा और हाइट 300 दूंगा। तो अभी आप देखोगे अगर मैं इसे अभी रन करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारी जो विड्थ और हाइट है वो सेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी विड्थ है 400 पिक्सल एंड हाइट हो गई 300 पिक्सल। ओके, तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसका कलर भी सेट हो जाए और विड्थ और हाइट भी सेट हो जाए। तो विड्थ और हाइट तो मैंने पास कर रखी है। ओके, और अभी मैं क्या करूँगा, कलर और पास कर दूंगा यहाँ। तो रूट एंड विड्थ और हाइट एंड यहाँ चौथा जो पैरामीटर होगा हमारा वो होगा कलर। तो कलर डॉट अभी मैं रेड ही पास करूँगा और इसे रन करूँगा। तो रन करते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं हमारी विड्थ और हाइट भी सेट हो गई, कलर भी सेट हो गए। ओके, तो चलिए ये तो था हमारा विड्थ और हाइट और बैकग्राउंड कलर के बारे में। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपने कर्सर को सेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने सीन पर, जैसे मैं यहाँ कर्सर को लेके जाता हूँ, ओके, तो आप देखेंगे कि मेरा कर्सर का जो आइकन है वो कुछ एरो बना रहा है। ओके, लेकिन अगर आप इसे चाहते हैं कुछ और आए, जैसे कि क्रॉस हैंड आए, ओके, या कुछ प्लस का आइकन आए, इस तरह से कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जस्ट लिखना है सीन डॉट सेट कर्सर। ओके, और इसमें आप कर्सर को पास कर सकते हैं कर्सर क्लास का एक ऑब्जेक्ट। तो कर्सर डॉट जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ क्रॉस हेयर। ओके, तो इससे क्या होगा कि जब आप अपने सीन के ऊपर अपने माउस कर्सर को लेके आओगे तो यहाँ क्रॉस हेयर का आइकन आ जाएगा। जैसे मैं अभी सीन के ऊपर अपने माउस को लेके आऊँगा, ओके, कर्सर को, तो आप देखोगे कि मेरा जो कर्सर है वो प्लस का आइकन बन गया। ओके, प्लस दिखा रहा है, पहले एरो दिखा रहा था, लेकिन अभी अगर मैं इसकी जगह क्रॉस हेयर की जगह हैंड कर देता हूँ, ओके, तो अभी आप देखो कि जो हमारा प्लस का आइकन था उसकी जगह एक हैंड बन जाएगा। ओके, तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ ये हैंड हो गया। ओके, तो इसी तरह के काफ़ी यहाँ ऑप्शन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं
क्लोज हैंड, और ये इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ओके काफ़ी सारे हैं। तो आप इन में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ हैंड कर देता हूँ अभी वापस से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीन क्लास को थोड़ा डिटेल में समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जल्दी ही मुलाकात होगी। बाय बाय।